टू आर यूट्यूब चैनल एमर्स। मैं श्वेता तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि बीएड, बीटीसी, एनआईटी सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वैसे काफ़ी सारी वैकेंसीज जो आती थी उसमें बीटीसी वाले बच्चों को मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार बीटीसी के बच्चों के लिए भी एक बड़ी बात है कि आपको भी मौका मिला है, आप भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, पद आप देख ही रहे हैं 8314 है, वेतन 23,000 है, एग्ज़ाम कोई नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू रहेगा, यानी कि आपकी संविदा वाली जो जॉब होती है उस तरीके की रहेगी। ठीक है, अंतिम तिथि जो है वो 15 जून है। अब इसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। इंडियन बेसिक टीचर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है। इसमें आपको तीन लेवल देखने को मिलेंगे। पहला नेशनल बेसिक टीचर्स का, जिसकी जो आयु है वो 21 से 45 तक की है। फिर दूसरा नेशनल सेकेंडरी टीचर, इसमें भी जो आयु है वो 21 से 45 है। और फिर नेशनल स्किल टीचर, इसमें भी 21 से 45 है। ठीक है, इसमें आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, फिर परस्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास योगा योगा का जो है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो कुल रिक्त स्थान है और आवेदन वगैरह वो सब आप कुछ सब कुछ देख ही पा रहे हैं। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी चाहिए तो आप चाहें तो इस वेबसाइट को गूगल करके और अपनी कोई भी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप उसको निकाल सकते हैं। वैसे हम जो आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इसी साइट से निकाली हुई है। अगर हम लोग बात कर लें इंडियन बेसिक टीचर ऑर्गेनाइजेशन में कि उत्तर प्रदेश राज्य हेतु नेशनल बेसिक टीचर की कुल रिक्तियों की संख्या क्या है, तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 4308 हैं। ठीक है, यूपी में। इसके अलावा सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और ड्राइंग है, और इनकी आप वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जनरल ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से हैं आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें हम लोग सेकेंडरी टीचर की, तो वो भी आपके पास यहाँ पर पूरी वैकेंसी दे रखी है। और फिजिकल टीचर की, उसमें भी आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, म्यूज़िक टीचर है, योगा है, हेल्थ केयर है, या फिर कंप्यूटर भी अगर है, कंप्यूटर में अगर आप लोग अपने पास ट्रिपल सी वगैरह रखते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले भी कई बार कहा है और फिर से आपको यही कहेंगे कि जब तक आपकी और कोई वैकेंसी नहीं आती है तब तक आपको जो भी मौका मिल रहा है उसको बिल्कुल हाथ से मत जाने दें। अप्लाई करके ज़रूर देखें, आपका सब्जेक्ट वही होता है, सिलेबस वही होता है, कोई आपको एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे हार्डली अगर पूछेंगे तो आपने बीएड किया है तो आपसे बीएड से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, बीटीसी किया है तो बीटीसी से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, और एनआईटी है तो आपसे एनआईटी से रिलेटेड कुछ पूछेंगे, है ना। आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, आपकी जो भी डिग्रियाँ होंगी, आपसे उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास मौका है, आपको ये लगता है कि हाँ ठीक है आप इस को दे सकते हो, आप देना चाहते हो, तो याद रखिएगा जो 25 तारीख है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, मैं लास्ट डेट एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, माय बैड, सॉरी, जो इसकी 15 तारीख है वो लास्ट डेट है। तो हम भी अप्लाई करेंगे, आप लोग भी अप्लाई करिए, यूपी से हैं, यूपी के बाहर के कहीं के भी हैं, सभी स्टेट्स को अलाउ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपका सिलेबस सब्जेक्ट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने जिस भी फील्ड से जाकर के, अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से है, मैथ से है तो वो आपसे मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, बायो से है तो वो आपसे बायो के रिलेटेड पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट आपने जो अभी तक पढ़ रखा है आपसे उसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से बस यही कहूँगी कि अगर ये सुनहरा अवसर आपको मिला है तो बिल्कुल इसे जाने ना दें। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ 26 तारीख से ये प्रारंभ हो चुका है, अंतिम 15 है। ठीक है, और इसके अलावा फाइनल प्रिंट प्राप्त करने की 17 तारीख लास्ट है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे भी अप्लाई करना चाहते हैं या किसी को भी अभी इसमें रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।